हेलो एवरीवन आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी तो इस वीडियो में हम सभी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो इंडियन पिनल कोड और लीगल एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट टेन लेकर आए हैं तो ये जो अगेन प्रैक्टिस सेट है ये क्विज फॉर्म में होगा और इसमें हम सिर्फ टेन क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज चैलेंज इन द केस तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कौन से केस में चैलेंज किया गया था ऑप्शन ए सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ऑप्शन सी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला ऑप्शन डी नन ऑफ द एब सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी तो यहाँ पे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है और शंकरी प्रसाद वाले केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर है फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं तो हालांकि इसके बाद में और जजमेंट्स आई हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर बट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज इस केस में किया गया था और यहाँ पे इसके अलावा केशवानंद भारती केस काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें प्रेमबल को एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु डिसाइड्स वेदर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू एनी डिस्कालीफिकेशन तो यहाँ पे पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनके डिस्कालिफिकेशन का डिसीजन कौन करता है तो करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट। ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लेमेंसी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज ग्रांटेड बाय। तो जो कैपिटल पनिशमेंट होती है उसकी क्लेमेंसी ये किसके पास, पास पावर होती है डिसाइड करने की सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन वन इज जेल सुप्रिटेंडेंट ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन सी इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन डी इज प्रेजिडेंट तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है इस करेक्ट ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है डी प्रेजिडेंट ये जो पावर होती है प्रेजिडेंट के पास होती है प्रेजिडेंट चाहे तो लास्ट में जो डेथ पन, डेथ सेंटेंस है उसको कन्वर्ट उसको कहाँ पे कैंसिल करके या उसको किसी और पनिशमेंट में चेंज करने का ऑर्डर दे सकता है और ये पावर जो प्रेसिडेंट की होती है ये अगर डेथ पनिशमेंट है तो यहाँ पे उसके डेथ पनिशमेंट की पहले तक प्रेसिडेंट उसे चेंज कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईपीसी के अंडर डिसलोकेशन ऑफ टूथ कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अगर यहाँ पे कोई फाइट में या किसी भी तरीके से कोई टोथ टूट जाता है या मतलब डिसलोकेशन हो जाती है उसकी तो ये किस में फॉल करेगा ऑप्शन ए असॉल्ट ऑप्शन बी सिंपल हर्ट ऑप्शन सी नैन ऑफ दिस ऑप्शन डी ग्रीवियस हर्ट तो जब किसी पार्ट के डिसलोकेशन होती है या ब्रेक होता है तो वो अक्सर ग्रेवियस हर्ट में फॉल करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन में बी इशूड वेन देयर इज जो यहाँ पे प्रोहिबिशन के रिट है वो इन चार ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन में इशू की जाती है Option A, both an absence of jurisdiction or, ex or excess of jurisdiction and violation of principle of natural justice. Option B, violation of principle of natural justice. Option C, absence of jurisdiction or excess of jurisdiction. Option D, request to produce the body of the person. So the correct option is option A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज हैज़ नॉट बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ था 2018 वाला जो था उसमें इसमें से कौन से टॉपिक को जो है वो अमेंड नहीं किया गया तो ऑप्शन ए सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 ऑप्शन बी इंडियन पिनल कोड 1860 ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी कि पोक्सो ऑप्शन डी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेवेंटी थ्री तो ये इसका करेक्ट जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए है सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ये टू थाउजेंड थर्टीन में अमेंड हुआ था निर्भया केस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस रेगुलेट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यहाँ पे कौन रेगुलेट करता है ऑप्शन ए कॉपीराइट एक्ट 1957 ऑप्शन बी ट्रेडमार्क एक्ट 1999 ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो इन रेगुलेशन ले, ले, को रेगुलेट करता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फाइनस अ वॉच ऑन द फ्लोर ऑफ अ स्टेट ट्रांसपोर्ट बस यानी यहाँ पे एक को एक ट्रांसपोर्ट बस में एक वॉच मिलती है वाइल लिविंग इट इट एज द लास्ट पैसेंजर वो सबसे लास्ट में उतरते हुए उसे मिलती है He picked up वो उसे उठाता है and put it in his pocket और उसे अपने पॉकेट में रखता है instead of returning it और उसे वापस करने की बजाय it to the state transport authority और वो state transport transport authority को वापस नहीं करता उसे खुद अपने पास रख लेता है तो यहाँ पे उसके बाद next day वो उसे बेच देता है एक यहाँ पे किस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा ऑप्शन है थेफ्ट ऑप्शन बी एक्सटॉशन ऑप्शन सी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑप्शन डी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल प्रिंसिपल अ पर्सन कैन बी बेनिफिटेड अंडर प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेशन यानी कि अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेट है तो यहाँ पे उसे प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा अब यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन टू टाइप्स के होते हैं वॉल्टियरली इनवॉलेंटरली ये मैटर करता है तो इसमें फैक्ट जो है इसकी इस तरह है रामलाल गौड ड्रंक वॉल्टियरली और वो वॉलेंटियरली ड्रंक करता है एंड ऑन ही इज वे टू होम असोल्टेड अ प पुलिस मैन और आ, आते हुए वो एक पुलिस मैन पे सॉल्ट करता है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पे सी है क्योंकि यहाँ पे वॉल्टियरली वर्ड क्लियरली मैंशन है अगर आपने वॉल्टियरली आप इंटॉक्सिकेटेड हो तो आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा और आपको सेक्ट के लिए लाइबल होगी अगर आप इन वॉलेंटियरली इनटॉक्सिकेटेड हो यानी कि आपके साथ किसी ने जबरदस्ती की है या आपको पता ही नहीं है तो यहाँ पे आपको डिफेंस मिल सकता है तो यहाँ पे क्लियरली वॉलेंटियरली है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज What can't be done directly can't be done indirectly. This statement epitomizes the doctrine of तो यहाँ पे जो ना डायरेक्टली हो सकता है ना इनडायरेक्टली हो सकता है तो इस स्टेटमेंट को हम किस तरह के डॉक्ट्रिन में देखेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कलरेबल लेजिस्लेशन ये इस टाइप के रिलेशन होते हैं जो डायरेक्टली भी नहीं हो सकते और इनडायरेक्टली भी नहीं हो सकते सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और भावना एजुकेशन डायरी से हमारे सारी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जरूर कनेक्ट हुई थैंक यू